हाँ ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको देखते हैं क्या लिखा है। एक आयताकार, देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये बोल रहे हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में। आंसर शीट में भी आपको द्विघात समीकरण बना के छोड़ दिया है, तो द्विघात समीकरण तक ही बता देता हूँ मैं। अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी तो वो आगे उसको फैक्टर करके आ जाएगी, गुणनखंड ज्ञात करके आएगी। तो जितना किताब में पूछा गया है उतना बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक आयताकार आयत कैसा होता है। आयत हमें पता है, आयत ये इस तरह का रहता है, इसमें ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ठीक है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है लंबाई। अगर चौड़ाई को आपने एक्स मान लिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना कितना होगा एक्स का, 2x, और उससे एक अधिक हो जाएगी तो लंबाई इतनी हो जाएगी। फिर से देख लो यहाँ पे यह क्या लिखा है, इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई को एक्स मान लो, चौड़ाई का दोगुना 2x, उससे एक अधिक है प्लस 1। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले माना माना चौड़ाई एक्स है, एक्स मीटर है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, तो लंबाई बराबर देखो यहाँ पे लिखा है इसके दोगुने, दोगुना आया हुआ या 2x से एक अधिक है तो लंबाई इतनी होगी। अब भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो इन्होंने लिख दिया है, हालांकि आंसर हमें द्विघात समीकरण तक ही देना है, द्विघात समीकरण इसको थोड़ा हल करके बनाएंगे। तो अब यहाँ पे जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जो इसका सूत्र है वो तो क्या होता है, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, या फिर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, कैसे भी लिख लो ये सूत्र होता है। तो लंबाई कितनी है, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 528, ठीक है। इसका गुणा कर दो इसमें, एक्स का गुणा 2x में, तो 2x² एक्स का गुणा एक में करेंगे, एक्स बराबर 528, 528 को इधर ले आओ, 2x² + x माइनस के हो जाएंगे 528 बराबर 0। तो जो कि एक द्विघात समीकरण है, जो कि एक द्विघात समीकरण है, बस आपको यही बताना था द्विघात समीकरण है। हालांकि आगे लिखा हुआ है, ये किताब के हिसाब से मैंने बता दी, किताब में इतना ही दिया है आपको, द्विघात समीकरण तक ही बताना, आगे हो जाएगा हल, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे लंबाई चौड़ाई भी आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि कठिन हो, ये बहुत ज़्यादा कि नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन किताब में जितना पूछा उतना बता दिया मैंने, अगर इसके नहीं तो फैक्टराइज करेंगे। देखो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा दो, सूत्र लगा दो और इसमें वैल्यू रख दो, ए का मान ए बी बी ए का मान 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का ये आ जाएगा, मान उसमें रख दो, आ जाएगा आंसर। आगे और समीकरण हल करने के लिए बहुत आएंगे तो उनमें सिखा दूंगा मैं, अभी जो किताब के हिसाब से उतना ही रहने देता हूँ, इसको नोट कर लें फिर।